मित्रों, अब मैं निवेदन करूंगा अपने भाजपा संसदीय दल के नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी से कि कृपया वो पार्लियामेंट्री बोर्ड को संबोधित करें। श्रद्धेय अडवाणी जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राजनाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी आदरणीय मुख्यमंत्री, पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और नवनिर्वाचित सभी सांसद भाइयों और बहनों, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आपने सर्वसम्मति से मुझे एक नया दायित्व दिया है। मैं विशेष रूप से आडवाणी जी, राजनाथ जी का भी आभारी हूं, उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिए हैं। मैं सोच रहा था कि अटल जी का स्वास्थ्य अच्छा होता और आज वो यहां होते, तो सोने में सुहागा होता। उनके आशीर्वाद सदा सर्वदा हम पर बने रहे हैं और बने रहेंगे। भाइयों बहनों, ये लोकतंत्र का मंदिर है और हम सब लोकतंत्र के इस मंदिर में बैठ करके पूरी पवित्रता के साथ पद के लिए नहीं है, सवासों करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को हम समेट करके बैठे हैं। और इसलिए पदभार जीवन में बहुत बड़ी बात होती है, ऐसा मैंने कभी माना नहीं, लेकिन कार्यभार, जिम्मेवारी ये सबसे बड़ी बात होती है और हमें उसे परिपूर्ण करने के लिए अपने आप को सज्ज करना होगा, अपने आप को समर्पित करना होगा। 13 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने आदरणीय राजनाथ जी की अध्यक्षता में मेरे लिए एक जिम्मेवारी तय की। 13 तारीख को तय हुआ, 15 से मैंने अपना काम शुरू किया, 15 सितंबर से। और पूरी तरह मन में एक कार्यकर्ता के भाव से, जब संगठन दायित्व देता है तो शरीर का प्रत्येक कण, समय का प्रत्येक पल, पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसके लिए पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। मुझे ये संस्कार मिले हैं और इसलिए 15 सितंबर से जो एक परिश्रम यज्ञ शुरू किया,
और 10 मई को जबकि चुनाव प्रचार समाप्त हुआ, मैंने अध्यक्ष जी को फोन किया। मैंने कहा मैं अहमदाबाद जाने से पहले दिल्ली आकर के आपको मिलना चाहता हूं। उन्होंने कहा आप थके नहीं हो क्या अभी भी? मैंने कहा नहीं, मुझे रिपोर्ट करना है। मेरे अध्यक्ष जी ने मुझे जो काम दिया है वो दायित्व 10 मई शाम को पूर्ण हो रहा है, मुझे रिपोर्ट करना है, इसलिए मुझे आना है। वो संकोच कर रहे थे, हंस भी पड़े। मैंने कहा मैं आ रहा हूं। खैर, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में था, मैं दिल्ली पहुंचा, उनके पास गया। और एक डिसिप्लिन सोल्जर की तरह मेरे अध्यक्ष को मैंने रिपोर्ट किया कि 13 सितंबर से जो दायित्व आपने दिया है 10 मई तक मैंने उनसे कहा कि आपने जो काम किया मैंने भली भांति करने की कोशिश की है, लेकिन एक कार्यक्रम मेरा नहीं हो पाया। मेरे तरफ देखते रहे। मैंने कहा मैं इतने दिनों से दौड़ रहा हूं, लेकिन 9 मई को ही इतने सारी दौड़ धूप के बीच, इतने पूरे अभियान में सिर्फ एक कार्यक्रम मुझे कैंसिल करना पड़ा, एक, और वो भी गोशी का, जहां पर हमारे जिला अध्यक्ष जो रैली की चिंता कर रहे थे सुशील राय, अकस्मात उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन एक कार्यकर्ता के नाते इस पवित्र धरती पर भी आपको रिपोर्ट करता हूं कि मैंने जो काम दिया उसको पूरी तरह करने का प्रयास किया है। फिर भी कुछ कमी रही हो, आप में से कुछ लोग होंगे जिनकी अपेक्षा होगी लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया हूं, लेकिन लगता है कि मेरा न पहुंचने का निर्णय सही था ताकि आप यहां पहुंच गए। मुझे भरोसा था कि आप आएंगे। एक कार्यकर्ता की भूमिका, उसे ही मैंने जीने का प्रयास किया। जैसे यहां बताया गया कि मैं पहली बार यहां आया हूं, शायद मेरे जीवन में हर बार ऐसा ही हुआ है। मुख्यमंत्री बना उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री की चैम्बर देखी थी, मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने विधानसभा गृह देखा था। आज भी ऐसा ही एक अवसर आया है, लेकिन हम इस ऐतिहासिक स्थान पर बैठे हैं। तब मैंने प्रारंभ में कहा यह लोकतंत्र का मंदिर है, 125 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं इस पवित्र मंदिर पर टिकी हुई है, और मैं आज देश को आजादी दिलाने वाले, आजादी के लिए मर मिटने वाले, आजादी के लिए जीने वाले, आजादी के लिए खपे हुए उन सभी महापुरुषों को प्रणाम करता हूं, ताकि उनकी बदौलत आज देश स्वतंत्रता की अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। मैं भारत के संविधान निर्माताओं को भी प्रणाम करता हूं कि उन्हीं की बदौलत आज इस पवित्र संविधान के कारण ही लोकतंत्र की ताकत का परिचय दुनिया को हो रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, मुझे इन दिनों विदेश के महानुभाव से जब बात होती है और मैं उनको कहता हूं कि 550 मिलियन वोटर, तो उनको पहले तो आश्चर्य होता है, इतना बड़ा इसका स्केल है।
हमारे संविधान निर्माताओं ने देश को जो संविधान दिया उसकी ताकत देखी है कि एक गरीब परिवार का व्यक्ति आज यहां खड़ा हो पाता है। ये लोकतंत्र की ताकत है, ये संविधान का सामर्थ्य है जिसने हमें देश के सामान्य से सामान्य नागरिकों एक ताकत दी है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जय किसी का पराजय ये मुद्दा अपनी जगह पर डिबेट का है, लेकिन इस चुनाव का सबसे बड़ा काम यह हुआ है कि भारत का सामान्य से सामान्य नागरिक एक नए आत्मविश्वास का उसके भीतर संचार हुआ है कि यही एक व्यवस्था है जो हमारे सपनों को पूरा कर सकती है। लोकतंत्र के प्रति उसकी आस्था बढ़ी है। यह अपने आप में किसी भी राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी ताकत होती है। लेकिन भाइयों बहनों, आखिरकार सरकार किसके लिए? मैं स्पष्ट मानता हूं कि सरकार वो हो जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वो हो जो गरीबों को सुने, सरकार वो हो जो गरीबों के लिए जिए। और इसलिए नई सरकार देश के गरीबों को समर्पित है। देश के कोटि कोटि युवकों को समर्पित है। और मान सम्मान के लिए तरसती हमारी मां बहनों के लिए समर्पित है। गांव हो, गरीब हो, किसान हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, ये सरकार उनके लिए है। और इसलिए हम सबकी प्राथमिकता उनकी आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हो, यही हमारा प्रयास रहेगा। और हम सबकी भी वही जिम्मेवारी है क्योंकि हमें गरीब से गरीब आदमी ने यहां भेजा। मैंने इस बार हिंदुस्तान के एक नए रूप को देखा है पूरे चुनाव प्रचार अभियान में। मैंने भारतीय जनता पार्टी की रैलियों का भी एक नया कलेवर देखा है। मैंने ऐसे लोग देखे जिनके शरीर पर एक ही वस्त्र था फिर भी कंधे पर भाजपा का झंडा था। ये तबका कितनी आशा और अपेक्षाओं के साथ हमारे पास आया है। और इसलिए हमारे सपने हैं उनके सपनों को सच करने के लिए। भाइयों बहनों, आडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग किया, मैं आडवाणी जी से प्रार्थना करता हूं वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती।
जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। और इसलिए बेटा कभी मां पे कृपा नहीं कर सकता, बेटा सिर्फ समर्पित भाव से मां की सेवा करता है। कृपा तो पार्टी ने की है कि इस मां की सेवा करने का मुझे अवसर दिया है। भाइयों बहनों, मैं कभी ये सोच नहीं रखता हूं कि पुरानी सरकारों ने कुछ किया नहीं, ये सोच मैं नहीं रखता हूं, और न ही भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता रखता। देश आजाद हुआ तब से जितनी भी सरकारें आई हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से देश की सेवा करने का प्रयास किया है, अपने अपने तरीके से देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। जो जो अच्छा हुआ है उसके लिए वे सभी सरकारें बधाई के पात्र हैं, उन सरकारों का नेतृत्व करने वाले सभी बधाई के पात्र हैं, और हम सबका दायित्व बनता है जो अच्छाइयां हैं उसको लेकर के आगे चलें और अधिक अच्छा करने का हम प्रयास करें। हम भी देश को कुछ देकर के जाएं, सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं के अनुरूप हम कुछ करके जाएं। ये अगर हमारे मन का भाव रहा तो देशवासियों को निराश होने की नौबत नहीं आएगी। मैं ज्यादा इन दिनों टीवी वगैरह तो नहीं देख पाता हूं, ना अखबार पूरा पढ़ पाता हूं, लेकिन जो कुछ छोटा मोटा आता है, इस चुनाव नतीजों को अलग अलग तरीके से लोग मूल्यांकन कर रहे हैं। अगर देश की जनता ने हंग पार्लियामेंट बनाई होती, फ्रैक्चर्ड मैंडेट दिया होता, तो ये कह सकते थे कि सरकार के प्रति सिर्फ गुस्से का कारण था या एंटी एस्टैब्लिशमेंट था। वो तब होता कि सिर्फ फ्रैक्चर्ड मैंडेट होता, लेकिन पूरी प्रक्रिया में इनका छोटा मोटा एलिमेंट रहता है, उसका कोई इनकार नहीं करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण बहुमत देने का मतलब होता है लोगों ने आशा और विश्वास के लिए मतदान किया है। यह पूरा वर्डिक्ट होप से है, और आपको स्मरण होगा जब अपनी राष्ट्रीय परिषद मिली थी उस दिन मैंने कहा था कि चुनाव आशा का चुनाव है, होप का चुनाव है, और जनता ने उसी प्रकार से चले। 2013 में हमारी राष्ट्रीय परिषद मिली थी तालकटोरा में, और गुजरात में फिर एक बार हम सरकार बना करके आए थे और पार्टी ने हम लोगों का बड़ा सम्मान किया था। उस दिन एक बात मेरे मुंह से निकली थी, और मैं ये 2013 के जनवरी फरवरी की बात करता, और मेरे से मुंह से एक बात निकली थी, पार्टी के सभी साथियों को मैं उसका स्मरण दिलाना चाहता हूं। उस दिन मैंने कहा था, हम चले या न चले देश चल पड़ा है, यह आवाज मेरे मुंह से निकली थी। और आज जब हम इतनी बड़ी संख्या में पूरा सेंट्रल हॉल लबालब भारतीय जनता पार्टी के समर्पित सेनानियों से भरा पड़ा है, उसका कारण देश चल पड़ा है, हम चले या न चले उसी का नतीजा है। भाइयों बहनों, ये उमंग उत्साह ये अपना चलता रहेगा, लेकिन जिम्मेवारी का युग शुरू होता है, जिम्मेवारी का कालखंड शुरू होता है।
शायद इस सभागृह में मेरी तरह बहुत लोग होंगे जो आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और शायद देश में भी आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए किसी व्यक्ति के नेतृत्व में पहली सरकार बनेगी। अब तक देश में सारे नेता गुलामी के कालखंड में उनका जन्म हुआ था, ये बात हमको स्वीकार करनी होगी। जो हम आजादी में के कालखंड में पैदा हुए हैं, हमें आजादी का जंग लड़ने का सौभाग्य नहीं मिला, हमें देश के लिए मर मिटने का सौभाग्य नहीं मिला, हमें जवानी जेलों में खपाने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन कोटि कोटि जनों ने हमें देश के लिए जीने का अवसर जरूर दिया है। देश के लिए भले हम मर न पाए, देश के लिए भले हम जूझ न पाए, देश के लिए भले हमने अत्याचार झेलने का अवसर नहीं आया, लेकिन आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हर व्यक्ति को, इस सभागृह में बैठे हुए के लिए, पूरे देशवासियों के लिए, आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हम लोगों के लिए जीवन का संकल्प होना चाहिए, देश के लिए जिएंगे। समय का पल पल, शरीर का कण कण, 125 करोड़ देशवासियों के काम कैसे आए, ये अगर हम सपना लेकर के चलते हैं तो देश बहुत तेजी से संकटों से बाहर निकल करके तेज गति से आगे बढ़ना शुरू कर देगा। भाइयों बहनों, मैं स्वभाव से आशावादी व्यक्ति हूं, मेरे डीएनए में ही लिखा हुआ है। मुझे जीवन में कभी निराशा वगैरह मेरा कोई पता नहीं वो क्या होता है, मुझे मालूम नहीं। पर एक बार यहां एक कॉलेज में मेरा भाषण हुआ तो मैंने कहा था, आज मुझे वो बात फिर से कहने का मन करता है, मैंने कहा किसी को ये गांव बताओ तो कहता है कि आधा भरा हुआ है, कोई कहता है आधा खाली है। मेरी सोच तीसरे प्रकार की, मैं कहता हूं आधा पानी से भरा है, आधा हवा से भरा है। आपको खाली नजर आता होगा, मुझे नहीं आता है, मुझे हवा से भरा हुआ नजर आता है। और इसलिए मैं कहता हूं मैं बहुत ही आशावादी व्यक्ति और सकारात्मक मार्ग के लिए आशावादी होना एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। और आशावादी व्यक्ति ही देश में आशा का संचार कर सकते हैं, निराशावादी व्यक्ति कभी देश में आशा का संचार नहीं कर सकते। संकट आते हैं, किसको नहीं आए जवाब जीवन में। मुझे याद है 2001 में गुजरात में जब भयंकर भूकंप आया, हम मौत की चादर ओढ़ करके सोए थे और पूरा विश्व मानता था अब गुजरात खत्म। देखते ही देखते वो खड़ा हो गया, दौड़ पड़ा। भाइयों बहनों, मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, निराशा छोड़नी होगी हमें। पुराने कितने ही बुरे अनुभव क्यों न हो, उसके आधार पर निराश मन को लेकर के चलने की आवश्यकता नहीं है। कौन कहता है दुनिया का इतना बड़ी लोकतंत्र और जागृत लोकतंत्र, जागतिक लोकतंत्र, ये अगर फैसला करे 125 करोड़ देशवासी, देश कहां से कहां पहुंच सकता है। 125 करोड़ देशवासी एक कदम चले, देश 125 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा। दुनिया में कौन देश है जिसका बस 6 ऋतुआ हो, 6 सीजन हो, ऐसा विश्व में कौन है, हम ही तो है। ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा है हम पर, प्राकृतिक संपदाओं से भरी हुई ये हमारी धरा उर्वरा है। यहां के लोग बाहर जाते हैं तो दुनिया में नाम कमाते हैं, सिर्फ उन्हें यह अवसर देने की जरूरत है, शक्ति को उनके भीतर पड़ी हुई है, सिर्फ मौका देना है। अगर यह अवसर देने के भाव से हम आगे बढ़े
इस चुनाव में दो बातों पर हम लोगों ने बहुत बल दिया, उन बातों को हमें आगे बढ़ाना है, और वो है सबका साथ सबका विकास। हम सबका विकास चाहते हैं, लेकिन सबका साथ उतना ही अनिवार्य है। उस मंत्र को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। भाइयों बहनों, ये चुनाव एक नई होप का चुनाव है, नई आशा का चुनाव है, और ऐसे सामर्थ्यवान साथी मुझे मिले हैं। इन सामर्थ्यवान साथियों से और अपने वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन से मुझे पूरा विश्वास है भाइयों, 13 सितंबर को जो दायित्व मिला था, जिसको 16 मई को पूर्ण किया, आज जो दायित्व मिला है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब 2019 में हम मिलेंगे, मैं आपको, देशवासियों को फिर एक बार मेरा रिपोर्ट कार्ड दूंगा। परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा, अपने लिए नहीं, देश के लिए जीऊंगा। और मैंने कहा ये सरकार गरीबों को समर्पित है, जो कुछ करने के इरादे से बैठे हुए हैं, इच्छा है उनके लिए। भाइयों बहनों, 2015-2016 हम सबके जीवन में एक महत्वपूर्ण अवसर आ रहा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का शताब्दी वर्ष आ रहा है। 2015-2016 चरैवेति का मंत्र जिस महापुरुष ने जीकर के दिखाया, और उसी से त्याग तपस्या के अधिष्ठान पर संगठन की पूरी व्यवस्था विकसित हुई। अभी से 2015-16 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के शताब्दी का पर्व कैसे हो, सामान्य व्यक्ति के जीवन में शुचिता का आग्रह कैसे हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमने जो रास्ते दिखाए थे उसमें विचार की जितनी ताकत थी उससे ज्यादा ताकत आचार की थी, और आचार परमो धर्म, किस भाव से हम चले हुए लोग हैं, उसको हम कैसे निभाएं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के शताब्दी पर्व के लिए पार्टी भी सोचे, सरकार भी सोचे, और दरिद्र नारायण की सेवा, अंत्योदय, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें दिए हुए हैं। और तब मैं कहता हूं ये सरकार गरीबों के लिए है, क्योंकि दीनदयाल जी के शताब्दी वर्ष में है ये सरकार होगी। भाइयों बहनों, वैश्विक परिवेश में भारत के इस चुनाव को और चुनाव नतीजों को बहुत ही सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है, और जो पहला संदेश जाता है वो विश्व में भारत का रुतबा पैदा करता है। तो देश के कोटि कोटि जनों ने किसी दल की सरकार बनाई ऐसा नहीं है, किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया ऐसा नहीं है, देश के कोटि कोटि जनों ने इतना उत्तम मैंडेट देकर के विश्व के सामने भारत का सर ऊंचा करने का अवसर पैदा किया। इस चुनाव को कौन जीता कौन हारा वो दायरे से देखने का समय वक्त चला गया। ये वो नतीजे हैं जो विश्व को भारत के लोकतांत्रिक सामर्थ्य की ओर आकर्षित करने वाले हैं। और अब देश, जिन लोगों के मन में निराशा थी, दुनिया के कई देश भारत से बहुत अपेक्षाएं करते थे, आशा हिंदुस्तान के सामान्य मानवीय में जगी है, वैसी आशा विश्व के मानवतावादी ताकतों में भी बढ़ी है। ये अपने आप में वैश्विक परिप्रेक्ष्य में मैं इसको शुभ संकेत मानता हूं। भाइयों बहनों, मैं फिर एक बार पूरे अभियान में लाखों कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम, और एक बात समझिए भाइयों, ये मोदी जो आपको दिख रहा है ना, और मीडिया के मित्र भी समझे, और देशवासियों को मैं कहना चाहता हूं, मोदी आपको दिखता है इसलिए नहीं कि मोदी बहुत बड़ा है, मोदी इसलिए दिख रहा है
कि मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मुझे अपने कंधे पर बिठाया है। और ये विजय, कभी हम ये गलती ना करें। देखिए, मुझे टिकट दिया तो कैसा जीत गया, अब तक उसको मिलता था नहीं जीतता था, ऐसे भ्रम में हम ना रहे। आज हमने जो कुछ भी पाया है वो पांच पांच पीढ़ी खप गई है तब आया है, जब जनसंघ शब्द सुनकर के लोगों को समझ नहीं आता ये लोग कौन है, कोई धार्मिक संगठन है कि राजनीतिक संगठन, ये भी पता नहीं था। उस जमाने से दीवारों पर दिया जलाते जलाते खपे हुए अनेक परिवार हैं। मैं आज उन सभी पीढ़ियों को जिन्होंने राष्ट्रवादी विचार को लेकर के अपने अपने तरीके से तपस्या की है, जीवन खपाए हैं, उन सबको नतमस्तक होकर के नमन करता हूं। और हम भी न भूलें, हम आज अपने कारण यहां नहीं हैं, हम आज उन तपस्या के कारण यहां हैं। अगर इतना सा मन में हमेशा बना रहा, मैं नहीं मानता हूं कि हमें कभी भी समाज के लिए, दल के लिए, साथियों के लिए शिकायत का अवसर आएगा, कभी नहीं आएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, ये विजय भी हमारा नहीं है, उन पांच पीढ़ियों की तपस्या का है। ये विजय वर्तमान के उन लाखों कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ का है। और ये भारतीय जनता पार्टी संगठन के अधिष्ठान पर चलने वाली पार्टी है, हमारी ताकत संगठन है। हम में से कोई न संगठन से ऊपर है न संगठन से परे हैं, वही हमारे लिए सर्वोपरि है। उस भाव को लेकर के हम आगे की जिम्मेवारियों को निभाएंगे। फिर एक बार अडवाणी जी ने आशीर्वाद दिए, आप सब ने मुझे एक नई जिम्मेवारी दी है, मैं भली भांति पूरी कोशिश करूंगा कि आपने मुझसे जो अपेक्षाएं की हैं उन अपेक्षाओं में कभी भी आपको नीचा देखने का अवसर नहीं आएगा, ये विश्वास दिलाता हूं। फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।